पंजाब के लोगों को सस्ते में डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोहाली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिंह शहीदा में अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत की गई है। तन तन बाबा हनुमान सिंह यादगारी डिस्पेंसरी और डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन बाबा परमजीत सिंह जी हंसाली वालिया द्वारा कर इसे जनता को समर्पित किया गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार कृपा हुई है गुरद्वारा सिंह शहीदां विखे, जो ये गरीब मरीजों वास्ते असं काफ़ी देर तो देख रहे हैं, जिस तरह करोना के देखा है संगतान तो होर तकरीबन काफ़ी स्टेटा के मरीज इतने पी जी आई आने उतों साढ़े गुरद्वरे आके सहायता वास्ते साढ़े को आते उन्होंने टैसट कराने वगैरह सारे बहुत महंगे पेंदे थे। इस करके गुरद्वारा सिंह शहीदां की कमेटी ने यह उपराला किया है भी असी संगतां नूं वध तो वध सहूलत दे सकीए, इस वास्ते असी शुरुआत की है एक तरह की, यह हले फिलहाल ये तो अगे भी असी जावांगे। असी पहला डिस्पेंसरी तकरीबन 14-15 साल तो गुरद्वारा साहिब विखे छोटी चल रही थी, हुण उस तो बाद पहला लैबोरेटरी खोली सी असी जिहदे च ब्लड टैसट वगैरह हो रहे थे, उहदे च काफ़ी रिस्पोंस मिलिया संगतां दा सानूं, तो उस तो उपरंत हुण असी गुरद्वारा सिंह शहीदां विखे सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड एक्सरे ते डेंटल विंग ते उस तो बाद MRI दी मशीन बहुत जल्द लगन जा रही है जी। ये सारिया संगतां नूं बहुत बड़ी सहूलत मिल जा रही है क्योंकि बाहर प्राइवेट सेंटरां दे विच संगतां तो काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूलिया जा रहा सी, तो हरेक दे बस की गल नहीं हुंदी हैगी, इस करके संगतां ने सानूं कहा सी, सो इस ते मुख रखदिया होया गुरद्वारा सिंह शहीदां दी कमेटी ने यह उपराला किया है। ये डायग्नोस्टिक सेंटर जो है शुरू किया जा रहा है, ये SAS नगर मोहाली संस्था के नाल गुरद्वारा सिंह शहीदां ने मिल के शुरू किया है, ये संगतां की भलाई वास्ते शुरू किया है। असीं इस तों अगे भी वधण की कोशिश करांगे, साडा उपराला है कि इसनों असीं अगे होस्पिटल दे विच भी वधण की कोशिश करांगे भी ये तो अगे लैके जाइए ता कि संगतां नूं होर भी बहुत सहूलतां मिल सकन, क्योंकि बाहर संगतां की बहुत लुट खसुट हो रही है। कई संस्थावां ने हुण चैरिटेबल के नाम से भी संस्थावां खोलियां हुई पर उहदे विच भी उहनां नूं जिहड़े गरीबां नूं सही सहूलत नहीं मिल पा रही है। इस नूं मुख रखदे होए असीं गुरद्वारे बाबा सिंह शहीदां की कृपा के नाल धन धन साहिब श्री बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालियां की प्रेरणा सदके यह सेंटर खोलिया हैगा। सो संगतां नूं बेनती है भी इत्थे अपना आ के इलाज कराउण ते अपना उहदे नाल अपने जिहड़े भी किसी नूं लिखे हुए टैस्ट वह कराउण की कृपालता करन। सब नूं देख के थोनों पता लग जाएगा बाहर के रेटा के मुताबिक इतने घट्टो घट रेट से जी है हो गए टैस्ट। हाँ जी, वो ये बारे डॉक्टर साहब नाल दसणगे उन्होंने की टाइमिंग होएगा, वो सारी हैगी जी टेल बना के असं बाहर लगावे भी किन्ने तो किन्ने बजे तक हो गए जे टैस्ट के सारे सेंटर बकायदा लिखे जाएंगे भी अल्ट्रासाउंड से वो सारिया चीज़ा जड़िया भी हैं कि टाइम डॉक्टर इतने ही बैठने वो नाल रिपोर्टा बना के बकायदा देंगे जी। हाँ जी, डॉक्टर रजनेर सिंह कालड़ा, असी संत बाबा हनुमान सिंह जी की कृपा सदका गुरद्वारा सिंह शहीदां विखे अज डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू कर जा रहे हैं SAS डायग्नोस्टिक के नाम थले, गुरद्वारा साहब के सहयोग नाल मैनेजिंग कमेटी के सहयोग नाल इत्थे जिवें बाबा जी ने दसे कि सहूलत सारिया CT स्कैन अल्ट्रासाउंड एक्सरे उस तो अलावा डेंटल क्लीनिक है डिस्पेंसरी है ये सारा कुछ चलता रहेगा और बहुत ही घट रेट से सेवावें दित्तियां जाणगियां, जिन्ना कु साडा खर्चा आएगा उन्ने कु खर्चे के उपर सहूलत दित्तियां जाणगियां। इत्थे असी शुरुआत दे विच जिहड़ी अल्ट्रासाउंड वो 8:30 बजे तो लैके 1:30 बजे तक जिहड़ी शुरू करन जा रहे हैं, जिवें जिवें होर रश पेगा जां संगतां आउणगियां जां मरीजां दी सहूलत दे हिसाब नाल टाइम एवें वधदा जाएगा और जिहड़ी CT स्कैन एक्सरे वो 5:30 बजे तक शाम तक जिहड़ी है चलती रहेगी। जिवें जिवें अगे काम दा जिहड़ा बोझ वधदा जाएगा जिस तरह संगतां आउणगियां उस तरह ही जिहड़ा चाहे 24 घंटे भी आपां नूं चलाउणी पवे वो भी नाल दी नाल प्रबंध किया जाएगा, तो बाकी जनता की सहूलत वास्ते संगतां की सहूलत वास्ते घट तो घट रेट ले जाएंगे क्योंकि असी सेवा भावना नाल जिहड़ा शुरू कर रहे हैं, इहदे विच कोई किसी तरह का लालच नहीं, कोई कमाई वाली गल नहीं। असी बहुत धन्नवादी हाँ मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जी के
कि इन्होंने पूरा सानू सहयोग दिता और सही टाइम के जी है वो बिल्डिंग बनाई है। सो परमात्मा कृपा करे आने वाले समय के जरा इस होर भी अगे लैके जाइए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊ।